बाद खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में एक पक्ष के लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि इस पूरी घटना में दो महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पूरी विवाद नाली में जमा होने को लेकर हुआ था। मामूली विवाद के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जबकि इस बवाल में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि इस बवाल में जिस युवक की मौत हुई है, पुलिस उस मृतक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम खैलिया में आज प्रातः बरसात के पानी जो निकलता है उसके नाली में कूड़ा हटाने को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, जिसमें कि चोट लगने की वजह से एक 34 वर्षीय नबी मोहम्मद की मौत हो गई। मृतक के भाई जावेद के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी अहमदगढ़ और उनकी टीम नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। इस समय